अमाइन, क्योंकि डबल एम से आता है ये, हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो क्लोरीन है -1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, तो कम के जो कोबाल्ट होगा उसकी चार्ज होगी +3, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो चार्ज है इसके ऊपर। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, उसके बाद लिखोगे क्लोराइड, अब उसके बाद दूसरा है क्रोमियम, H2O होल 6, Cl3। बेटा ये -1 है, 3 से मल्टीप्लाई करो -3 +3, केटाइन कॉम्प्लेक्स। जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा वो केटाइन होगा बेटा, इसको कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी कहा जाता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो केटाइन होगा। अच्छा आप इसमें इसमें भी केटाइन का नाम, केटाइन को पहले लिखेंगे, एनाइन को बाद में लिखेंगे हम, इसका मतलब है पहले कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे उसके बाद एनाइन को। हेक्सा हेक्सा एक्यो क्रोमियम क्रोमियम, और क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा देखो, क्लोरीन है -1, क्लोरीन बेटा -1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो -3, तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज होगी +3, तो क्रोमियम 3 क्लोराइड। अच्छा उसके बाद है कोबाल्ट EN3, ये EN सॉरी EN2 है बेटा, EN है इथाइलिन डायमाइन बेटा, EN इथाइलिन डायमाइन है जो बाई डेंटेड है, Cl2 एक बार Cl लगा हुआ है। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सिक्स होगा, क्योंकि ईएन बाई डेंटेड है बेटा, ईएन जो है इथाइलिन डायमाइन बाई डेंटेड है, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 होगा। -3 +3 होल चार्ज 0 के बराबर होगी, क्योंकि ईएन जो है बेटा, जो ईएन है ये न्यूट्रल है। अच्छा तो अब लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में बेटा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे हम, ईएन इथालिन है और सीएल क्लोरो है, तो लिखेंगे पहले डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन, बेटा बिस क्योंकि 2 हैं, तो इथाइलिन डायमाइन या पोली जो डेंटेड है
उनके लिए बेटा बिस ट्रिस यूज करते हैं, बिस का मतलब है दो, तो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स का तीन है, तो इसके बाद क्लोराइड। अच्छा उसके बाद है नंबर फोर पे, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा ये। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जीरो चार्ज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जीरो चार्ज होगी, तो इसको लिखेंगे हम क्वाड्रेंट टेट्रा कार्बोनाइल। बेटा टेट्रा है, टेट्रा का मतलब फोर, कार्बोनाइल निकल जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का जीरो होगा क्योंकि कार्बोनाइल न्यूट्रल है। बेटा कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो न्यूट्रल है। अच्छा उसके बाद फाइव नंबर पे प्लाटिनियम, सीएल, नाइट्रो, और उसके बाद बार लगा हुआ सल्फेट। अच्छा बेटा सल्फेट माइनस टू, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगी प्लस टू, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर प्लस टू चार्ज है। अच्छा मेटल के ऊपर कौन सी चार्ज होगी, प्लैटिन के ऊपर। सल्फेट है माइनस टू, अमोनिया न्यूट्रल, ये माइनस वन, ये माइनस वन, तो इसका होगा प्लस फोर, ताकि बराबर होगा जीरो के। तो बेटा होल चार्ज, सॉरी प्लैटिन के ऊपर जो प्लैटिन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस फोर है, वो इसलिए कि सल्फेट माइनस टू, नाइट्रो माइनस वन और क्लोरो भी माइनस वन है, अमोनिया न्यूट्रल है। अगर हम माइनस की चार्ज को सम करेंगे तो माइनस फोर, तो प्लैटिन के ऊपर चार्ज होगी प्लस फोर। अब लिगेंड को लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दो। टेट्रा अमाइन, क्लोरो, नाइट्रो, बेटा टेट्रा अमाइन, क्लोरो, नाइट्रो, प्लाटिनियम, फोर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आएगा सल्फेट। उसके बाद है लास्ट में कोबाल्ट, एनओ टू होल टू। अच्छा एनओ टू होल थ्री, एनएच थ्री होल थ्री। तो बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जीरो चार्ज है। अब मेटल के ऊपर चार्ज क्या होगी, माइनस वन, एनओ टू माइनस वन, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, इसके ऊपर चार्ज होगी प्लस थ्री। अच्छा अब लिखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनको,
ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थ्री इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बेटा ये कंप्लीट हो गए। अब आते हैं शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। बेटा कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का शेप किस तरह का होगा? अतः देखो शेप डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। बेटा जो मॉलिक्यूल का शेप है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दो है, अगर सेंट्रल एटम के साथ ट्रांजिशन एटम जो एलिमेंट है उसके साथ दो लिगेंड्स हैं तो वो लीनियर अरेंज होंगे। बेटा वो दोनों लीनियर अरेंज किया जाएगा उनको। देखो अगर लिगेंड दो हैं तो उनको अरेंज किया जाएगा लीनियर। ठीक है, तो बेटा मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू है बेटा, तो लीनियर शेप होगी। एंगल होगी 180 की। इस तरह मेटल होगा, इसे लिगेंड होगा। बेटा मेटल को, मेटल के सराउंड में दो लिगेंड्स होंगे जो 180 पे अरेंज होंगे लीनियर। एंगल बनेगी 180 की। कोऑर्डिनेशन नंबर टू होगा। अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर टू है? बुक में दिए गए हैं बेटा, बुक में गिवन है। इनमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर टू है और सबका स्ट्रक्चर लीनियर है। अब देखो कॉपर CN2, कॉपर साइनाइड, तो कॉपर के गिर्द देखो कॉपर होगा, इधर साइनाइड या भी क्या होगा, साइनाइड होगा जो कॉपर को लोन पेयर डोनेट करेगा। देखो कॉपर सेंटर में और उसके के साइनाइड है, कॉपर साइनाइड मतलब क्यूपर साइनाइड है, कॉपर की वैलेंसी 1 होगी। बेटा कॉपर की जो वैलेंसी है वो 1 है, मतलब इसको कहेंगे क्यूपर साइनाइड। सॉरी 1 नहीं है, इसमें 2 है कॉपर की वैलेंसी। कॉपर की बेटा वैलेंसी 2 है, CuNH2, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी इस तरह है +2 और साइनाइड है -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CN2 हो जाएगा। तो कॉपर साइनाइड तो बेटा ये क्यूप्रिक साइनाइड। क्यूप्रिक है, अच्छा यहां क्यूप्रिस भी आ जाता है बेटा, क्यूप्रिस भी है NH3 whole 2 plus 1, ये है क्यूप्रिस। यहां पे कॉपर की वैलेंसी 1 है बेटा, ये यहां पे कॉपर की वैलेंसी 1 है। ठीक है, यहां इस तरह हो जाएगा, कॉपर की वैलेंसी 1 हो जाएगी। दो अमोनिया के मॉलिक्यूल से जो उसको लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो बेटा यहां पे कॉपर की वैलेंसी 1 है, क्यूप्रिस है, उसको पढ़ेंगे हम डाई अमाइन बेटा, डाई अमाइन
कॉपर वन, डायमाइन कॉपर वन, इसका मतलब है क्यूपर साइन है। उसके बाद है एजी, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर वन है और कोऑर्डिनेशन नंबर टू है, चार्ज वन है इसकी बेटा, एजी की चार्ज वन है मगर कोऑर्डिनेशन नंबर टू है। दो अमोनिया के मॉलिक्यूल, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल है जो कोऑर्डिनेट है किसके साथ, सिल्वर आयन के साथ, एजी आयन होगा। ठीक है, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं जो लोन पे डोनेट कर रहे हैं किसको, एजी को। एंगल क्या बनेगी, 180 बनेगी लीनियर। अब आते हैं एजी माइनस वन, तो साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस टू, और साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन, टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, एजी है प्लस वन। तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगी, माइनस वन आएगी, क्योंकि साइनाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस वन है, जब हम टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, और एजी का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन, तो ओवरऑल चार्ज कितनी बचेगी, माइनस वन, तो ये भी लीनियर होगा। इसके अलावा एयू, एयू गोल्ड है, सी एन होल टू माइनस वन, इसके अंदर भी यही होगा, साइनाइड होगा माइनस वन, टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, तो एयू का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वन। ठीक है, तब जवाब क्या आएगा, ऊपर माइनस वन आएगा, क्योंकि बेटा साइनाइड है माइनस वन, माइनस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू, और ये प्लस वन। अब बताओ क्या जवाब आएगा, माइनस वन आएगा। अब इसके अलावा और एच जी एन एच थ्री होल टू, और चार्ज क्या है, प्लस टू है, तो ये किसकी चार्ज होगी, मरकरी की चार्ज होगी, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर टू है। तो अब देखो ये जितने भी है इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर दो है, इधर भी देखो दो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे भी दो कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर टू, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर टू, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर टू है, इधर भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर टू है। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं बेटा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर टू होगा। इसके अलावा एच जी सी एन होल टू, इन सबका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। अगर ये आपको स्ट्रक्चर देकर पूछा जाता है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेटा ये सभी लीनियर होंगे। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में टेट्राहेड्रल भी है और स्क्वायर प्लेनर भी है। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के अंदर टेट्राहेड्रल भी है, एसपी थ्री हेबर्ड, टेट्राहेड्रल एसपी थ्री हेबर्ड 109 के एंगल, और स्क्वायर प्लेनर भी है, डीएसपी टू भी है, एंगल 90 की होगी इनमें। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो तरह की ज्योमेट्री आती है, दो तरह के मॉलिक्यूल की शेप आती है। ठीक है, दो तरह की कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में, अच्छा एक आता है टेट्राहेड्रल, एसपी थ्री हेबर्ड, वन
109.28 एंगल। अब बेटा टेट्राहेड्रल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उनका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब उनमें आपको याद करने पड़ेंगे इनके स्ट्रक्चर में, तो ये मेटल होगा यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे लगेगा, एक इधर लगेगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, और एक यहाँ पे लगेगा ऐसे। ये लोन पे डोनेट करेगा, ये भी लोन पे डोनेट करेगा, ये भी लोन पे डोनेट करेगा। बेटा 4 लिगेंड्स हैं जो लोन पे डोनेट करेंगे, और ज्योमेट्री उनकी टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री जो होगी इनकी टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज होंगे, वो टेट्राहेड्रल तरीके से वो अरेंज हो जाएंगे। 4 लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अच्छा, आप इसकी एग्जांपल है जिंक, बेटा Zn Cl4, ठीक है, जिंक क्लोराइड -2। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का 4 है बेटा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है प्लस का, और इसमें ये जो जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन, एक तो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस के अंदर बेटा, दो इलेक्ट्रॉन एस में एक्सेप्ट करेगा, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो पी में एक्सेप्ट करेगा। देखो sp3 हाइब्रिडेशन इसके अंदर, मतलब जो जिंक यूटिलाइज करता है बॉन्डिंग के लिए, डी आर्बिटर को यूटिलाइज नहीं करेगा, मतलब जो जिंक है वो अपने डी आर्बिटर को बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल करेगा ही नहीं, वो एस को इस्तेमाल करेगा और पी को। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये बेटा, 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ये, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को जिंक एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, वो लेगा किसमें, एस में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स में जाएगा, और बाकी 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो पी में जाएंगे, पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में, 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, 2 पी वाई में, 2 पी जेड में। तो एनवायरमेंट किसकी हो जाएगी बेटा, एनवायरमेंट होगी एस और पी की, जो एनवायरमेंट होगी और एस की और पी की होगी, एस का 1 और पी का 3 ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 4s और 4p में जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन 4s और 4p के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 4s में 2 और 4p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इस लिगेंड से, एक यहां से लेगा, एक इधर से लेगा, एक इधर से, 4 लिगेंड्स हैं, हर लिगेंड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक पेयर डोनेट करेगा, एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा जो जिंक एक्सेप्ट करेगा किसके अंदर, एस और पी के अंदर, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन कौन सी हुई है, sp3 बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब आते कॉपर पे, कॉपर CN होल 4 -4 है, इसमें भी ऐसे ही होगा, हाइब्रिडेशन sp3 हुई है, तो कॉपर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा साइनाइड से बेटा, जो कॉपर साइनाइड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, वो रखेगा किसमें, एक पेयर लोन पेयर जाएगा इसके अंदर, और बाकी 3 लोन पेयर जाएंगे किसके अंदर, पी के अंदर। इधर देखो 4s खाली पड़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े लूज कर दिए हैं, 4p ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, 4px 4py 4pz बेटा, 4px 4py 4pz। अच्छा, अब क्या होगा, जो साइनाइड है CN
वो लोन पे डोनेट करेगा। अच्छा वो लोन पे किसके अंदर जाएंगे बेटा? पोरिस में। और किसके अंदर गए? 4PX, 4PY, 4PZ, 4PZ। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन 4s ने एक्सेप्ट किए। अच्छा दो इलेक्ट्रॉन 4p में जाएंगे, 4px में, 4py, 4pz में। इसलिए देखो हाइब्रिडेशन कौन सी हुई इसके अंदर? sp3। इसका मतलब है जिंक और कॉपर ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं किसके अंदर ले रहे हैं? एस और पी के अंदर ले रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा गोल्ड, अच्छा नो सॉरी, इसके अंदर अलावा निकिल है। देखो निकिल NiCO4, बेटा NiCO4 जीरो, इसका भी वही होगा, निकिल होगा जो क्या करेगा कार्बोनल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा। और वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएंगे, किस ऑर्बिटल को जाकर आप उपाय करेंगे? 4s और 4p को। दो इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके अंदर? 4p के अंदर, px, py, pz के अंदर। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन या 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। इसके अलावा जिंक है ZnCn4। अब चार्ज क्या आ जाएगी इसकी बेटा? -1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, जिंक की चार्ज है +2, तो ये -4 +2, तो ओवरऑल क्या चार्ज बचेगी? -2, तो ये भी टेट्राहेड्रल है। इसके अलावा जिंक NH3 होल 4, चार्ज क्या होगी? +2 होगी, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है। तो बेटा ये जितने भी हैं ये सब के सब टेट्राहेड्रल हैं, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स जो आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब के सब जो है टेट्राहेड्रल हैं। इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इन सब में हाइब्रिडेशन sp3 है, सब के अंदर एंगल 109 की है। अब आते हैं स्क्वायर प्लेनर। बेटा स्क्वायर प्लेनर DSP2 हाइब्रिडेशन होगी, डी चलेगा, 3D चलेगा, 3D, 4S और 4P। बेटा हिस्सा कौन लेगा? एक डी का ऑर्बिटल, एक 3D का ऑर्बिटल, एक S का ऑर्बिटल और P के दो ऑर्बिटल से हिस्सा लेंगे हाइब्रिडेशन में। एक डी मतलब 3D, 4S और 4P ये इन्वॉल्व होंगे, P के दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग के अंदर। एंगल 90 की बनती है इसके अंदर, इसका इस तरह स्ट्रक्चर हो जाता है। ए मेटल इसे बेटा ये इसका स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है और एंगल जो बनती है इसके अंदर वो बनती है 90 की एंगल, एंगल 90 की होगी इसके अंदर। अब ये कौन बना रहा है बेटा? ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले इनका कोऑर्डिनेशन भी 4 है। देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का भी 4 है,
इनका फोर है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इनमें कौन आ जाता है, तो प्लैटिनम पीटी एनएच थ्री होल फोर, तो अमोनिया के चार मॉलिक्यूल होंगे बेटा, चार होंगे तभी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होगा। अमोनिया के इसके अंदर चार मॉलिक्यूल्स हैं और प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू है, तो प्लैटिनम के अंदर ऐसा होता है। प्लैटिनम के अंदर प्लैटिनम की जो ज्योमेट्री है बेटा, प्लैटिनम जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है वो है स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडेशन कौन सी है, डीएसपी टू। अच्छा, ये जो अमोनिया चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसको बेटा, अमोनिया जो चार लोन पेयर डोनेट करेगा, अमोनिया चार लोन पेयर डोनेट करेगा प्लैटिनम को, उनमें प्लैटिनम एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर लेगा डी के अंदर, एक एस के अंदर, फोर एस के अंदर, और बाकी जो दो लोन पेयर होंगे किसके अंदर इन्वॉल्व, मतलब पी के दो ऑर्बिटल्स मिलेगा बेटा। देखो डी एस पी टू, तो थ्री डी, एक ऑर्बिटल डी का होगा बेटा, एक ऑर्बिटल डी का होगा, एक ऑर्बिटल एस का होगा, और पी के दो ऑर्बिटल्स होंगे, पी के ऑर्बिटल दो हैं। अच्छा, उसके बाद पी डी, टी एल फोर, माइनस टू। तो अब देखो क्लोरीन है माइनस वन, चार से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर, तो पीडी की ऑक्सीडेशन होगा प्लस टू। तो जो पैलेडियम है वो भी चार लोन पेयर लेगा बेटा, चार लोन पेयर लेगा किससे, क्लोराइड आयन से, क्लोराइड आयन से, ठीक है। उनमें वो चार इलेक्ट्रॉन को अरेंज किस तरह करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जाएंगे, डी के अंदर एक्सेप्ट करेगा दो इलेक्ट्रॉन को, और दो इलेक्ट्रॉन फोर एस में जाएंगे, और बाकी दो लोन पेयर किस में लेगा, वो पी के अंदर लेगा, क्योंकि पी के दो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखो इसके अलावा ए यू सी एल फोर, चार्ज माइनस वन है इसकी, तो क्लोरीन है माइनस वन, चार से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर, ए यू का ऑक्सीडेशन होगा प्लस थ्री, तभी चार्ज आए माइनस वन। तो बेटा ये डी एस पी टू हाइब्रिडेशन इसके अंदर, डी एस पी टू। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, जिन मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स ऑक्टाहेड्रल, जो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ये देखो मेटल है, एक लिगेंड इस तरह होगा, एक ऐसे होगा, एक इस तरह लगेगा, एक इस तरह लग जाएगा, एक इस तरह लगा होगा, और एक इस तरह, सिक्स होंगे बेटा, सिक्स लिगेंड्स होंगे सेंट्रल एटम के गिर्द, सेंट्रल एटम के गिर्द सिक्स लिगेंड्स अटैच होंगे। जिस तरह सपोज करते हैं क्रोमियम है NH3 होल सिक्स प्लस थ्री चार्ज है, तो अमोनिया के देखो सिक्स मॉलिक्यूल है, अमोनिया के सिक्स मॉलिक्यूल्स हैं, या कोबाल्ट है, ठीक है, इसके साथ वाटर के सिक्स मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं, या मैग्नीशियम का भी आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम में भी इस तरह ही है कि सिक्स वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं मैग्नीशियम के साथ। बेटा जो मैग्नीशियम है उसके साथ भी सिक्स वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, सिक्स लिगेंड्स होते हैं जो अटैच होते हैं, जो लोन पे डोनेट करते हैं किसको, मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है मैग्नीशियम भी, और हाइब्रिडेशन कौन सी है इसकी, डी टू एस पी थ्री बेटा, डी टू एस पी थ्री, डी टू एस पी थ्री, डी के दो ऑर्बिटल होंगे, डी के दो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल एस का और पी के तीन, मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा
बेटा जो सेंट्रल एटम है वो सिक्स लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, सिक्स लोन पेयर को वो एक्सेप्ट करता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स का मतलब है सिक्स लोन पेयर को वो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहां पे, डी, मतलब दो लोन पेयर डी में जाएंगे, एक एस में जाएगा लोन पेयर, और पी में तीन जाएंगे लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स ही हो जाएगा। बेटा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं बेटा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, यहां भी देखो सिक्स, इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिक्स है, सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स, ठीक है। अब आते हैं कलर कॉम्बिनेशन। देखो जो ये भी बहुत अहम प्रॉपर्टी है इनकी, ये ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं बेटा कलर कंपाउंड्स। अब कलर कंपाउंड्स की दो थ्योरीज हैं, मतलब दो इसके हैं प्रिंसिपल्स, एक चार्ज ट्रांसफर, बेटा एक जो कलर होता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, चार्ज की ट्रांसफर, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट देखो डी में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है पोटेशियम परमैंगनेट के, पोटेशियम परमैंगनेट में जो एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेवन है, और जो डी के पांच इलेक्ट्रॉन वो लूज हो जाते हैं, दो एस के भी लूज हो जाते हैं, फिर भी इसका कलर है देखो पिंक कलर देता है। पोटाशियम क्रोमेट का येलो कलर है, पोटाशियम क्रोमेट का येलो कलर, पोटाशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज रेड कलर, हालांकि इनके डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट को देखें या बाकी को देखेंगे तो इनके डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इनका कलर है, ठीक है, इनका कलर है बेटा, ठीक है। तो वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, बाकी मैंने नोट्स भी बना कर दिए थे उसमें भी यही लिखा था कि इनका जो कलर है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। अब ये देखो इससे पहले एक और भी था बेटा पेज था जिसके अंदर ये था, इसका वजह थी कि कलर जो ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर रहता है, एक तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से आता है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है बेटा, अगर डी में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। जब मेटल जो है वो लिगेंड के साथ बांड बनाता है तो बेटा इंट्रेक्शन होती है मेटल और लिगेंड्स के दरमियान, मेटल और लिगेंड्स के दरमियान इंट्रेक्शन होती है, और इंट्रेक्शन के दौरान मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। एक बनता है लोअर डी, दूसरा बनता है हायर डी। देखो एक बन गया है लोअर डी, ये लोअर डी के ऑर्बिटल से डीएक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर हाई एनर्जी वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लोअर डी में है वो विजिबल लाइट को एब्जर्व करते हैं, विजिबल लाइट को क्या करते हैं एब्जर्व करके हायर डी के अंदर जाते हैं। अच्छा अगर उन्होंने सारी विजिबल लाइट को एब्जर्व कर दिया, सारी विजिबल लाइट क्या हो गई एब्जर्व हो गई, जो कंपाउंड का कलर ब्लैक होगा, अगर सारी विजिबल लाइट को ट्रांसमिट कर दिया उन्होंने, एब्जर्व किए नहीं ट्रांसमिट कर दिया, तो कंपाउंड व्हाइट नजर आएगा। अगर कुछ व्हाइट लाइट को वो एब्जर्व करते हैं और कुछ को ट्रांसमिट कर देते हैं, कुछ जो व्हाइट लाइट का पोर्शन है उसको एब्जर्व करते हैं और कुछ को वो ट्रांसमिट कर देते हैं, तो जो ट्रांसमिशन होगी बेटा, जो कलर ट्रांसमिट होगा या रिफ्लेक्ट होगा वही कलर दिखाई देगा आपको। जैसे कॉपर है, कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं वो रेड लाइट को एब्जर्व करते हैं और ब्लू को ट्रांसमिट कर देते हैं, इसलिए इनके जो कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे वो आपको ब्लू नजर आएंगे। तो यही है इसकी कलर की। अच्छा दूसरा मैंने आपको पहले बता दिया चार्ज ट्रांसफर की वजह से, कि जिन में एलिमेंट्स का मैग्नीज पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट है, इनमें जो कलर था वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। मगर ये तो चंद कंपाउंड्स हो गए, ज्यादातर जो कंपाउंड्स का कलर है वो है डी डी ट्रांजिशन की वजह से, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग वजह से, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है डी डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है। शर्त है कि डी में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर डी में डी है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन होगी नहीं,
बेटा डी डी ट्रांस नहीं होगी, वो कंपाउंड कलरलेस होगा, कंपाउंड क्या होगा कलरलेस होगा। अब देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम टी आई बेटा टाइटेनियम फोर ऑक्सीडेशन स्टेट और डी में इलेक्ट्रॉन जीरो कलरलेस होगा। क्रोम स्कैंडियम प्लस थ्री, थ्री डी में इलेक्ट्रॉन जीरो, ठीक है डी में इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए। तो स्कैंडियम, अगर स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तीन है तो स्कैंडियम कलरलेस होंगे कंपाउंड, स्कैंडियम के कंपाउंड कलरलेस होंगे जिनमें स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री हो। टाइटेनियम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फोर है वो कलरलेस होगा। अच्छा जिस टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन थ्री है बेटा वो कलर्ड होगा, टाइटेनियम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री है वो कलर्ड होगा क्योंकि इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन फिर भी होगा। बेटा टाइटेनियम ये कलरलेस है, जिंक प्लस टू तो क्या होगा थ्री डी टेन होगा, कॉपर प्लस वन क्या होगा थ्री डी टेन होगा, कलरलेस होगा क्योंकि डी आर्बिटल कंप्लीट फील्ड है। देखो जिंक प्लस टू का भी डी आर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, कॉपर प्लस वन का भी डी आर्बिटल कंप्लीट फील्ड है क्योंकि कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वो एस में से लूज किया, डी में से कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया तो ये कंपाउंड कलरलेस होंगे इसके। हाँ बाकी कॉपर प्लस टू कलर्ड होगा, कॉपर टू के कंपाउंड कलर्ड होंगे बेटा, कॉपर टू टाइटेनियम थ्री ठीक है, बाकी कलर्ड होंगे सारे, बाकी जो है वो सभी क्या होंगे कलर्ड होंगे, क्रोमियम है जो भी है सभी कलर्ड होंगे। कलर्ड देखिए टाइटेनियम थ्री में बेटा डी में एक इलेक्ट्रॉन है, कॉपर टू में डी नाइन होता है, डी कंप्लीट फील्ड नहीं है डी नाइन है तो इनका कंपाउंड कलर्ड होंगे ठीक है। तो यही था इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ द कलर्ड आयंस। कहता मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड, मोस्ट जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड है बेटा, मोस्टली इनके कंपाउंड क्या है कलर्ड है ठीक है। सॉलिड स्टेट में भी या सॉल्यूशन फॉर्म में भी, सॉलिड स्टेट के अंदर भी और जब उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो भी इनका कंपाउंड कलर्ड होंगे। द कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, मतलब इनका जो कलर है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। अब देखो जिंक में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कोई कलर नहीं है, कॉपर प्लस वन है तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कोई कलर नहीं है। अच्छा अगर डी में इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे तो वैसे भी कलर कोई नहीं आएगा ठीक है। कहते हैं आइसोलेटेड एटम या आयन, आइसोलेटेड एटम के अंदर या आयन के अंदर, मतलब इनका आप एटम ले लो या आयन ले लो किसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, है फाइव ऑर्बिटल्स इनके अंदर, फाइव डी ऑर्बिटल्स हैं, पांच बेटा डी जेनेट ऑर्बिटल्स हैं, पांच डी जेनेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर है, पांच डी जेनेट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है ठीक है। इनको कहते हैं अब इसमें डी जनरेट है बेटा, ये डी जनरेट, डी जनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी वाले, यहां बेटा लफ्ज आएगा डी जनरेट, डी जनरेट है ठीक है, इनकी एनर्जी बराबर है और जैसे इनकी इंट्रेक्शन होती है किसके साथ लिगेंड के साथ, किसके साथ होगी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कौन है लिगेंड बेटा, लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं उनके साथ उनकी इंट्रेक्शन होगी मेटल के डी ऑर्बिटल की, और इंट्रेक्शन के दौरान क्या हो जाता है वो स्प्लिट हो जाता है। अब स्प्लिटिंग अलग अलग है मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग अलग होगी, स्क्वायर प्लेनर में इनकी स्प्लिटिंग अलग होगी ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं जो हमारे बुक में गिवन है वो बेटा जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल फील्ड ठीक है लिखा हुआ है इसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है जब जो कोऑर्डिनेशन होता है सिक्स होता है,
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, तब ये इसकी स्प्लिटिंग है। तो क्या हो जाता है, जो डीजेनरेट आर्बिटर्स हैं, जो बेटा 5 आर्बिटर्स हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, जो 5 डीजेनरेट आर्बिटर्स है वो स्प्लिट हो जाता है। डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द लिगेंड पे, लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, अच्छा कभी कभी स्प्लिटिंग ज्यादा भी हो जाती है बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज्यादा स्प्लिट कर देता है इनको, ज्यादा तोड़ देता है, डिफरेंस बढ़ जाता है लोअर डी और हाई डी में। अगर वीक लिगेंड है तो डिफरेंस कम होगा बेटा, डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इजीली जंप लगा लेगा उसके अंदर। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का वजह से। अच्छा, और उसके बाद उनकी जो स्प्लिटिंग होगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी बेटा, जो दो एनर्जी के जो डी, दो डी आर्बिटर्स हैं, दो जो डी आर्बिटर्स हैं लोअर डी और हाई डी में, जो स्प्लिटिंग होने के बाद दो आर्बिटल बन गए लोअर डी और हाई डी, उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो आता है इन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन की वेवलेंथ में आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो लोअर डी वाले हैं वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके हाई डी में जाते हैं, जंप लगाते हैं। और फिर उसमें क्या होता है कि कुछ विजिबल लाइट के हिस्से को एब्जॉर्ब करते हैं वो, और कुछ को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर देते हैं, वही कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग हो गई। और उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई है लोअर डी से हाई डी में। बेटा लोअर डी से इलेक्ट्रॉन जंप लगा रहा है, किसमें जा रहा है, हाई डी में। ये इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद था और यहां जंप लगा गया, यहां पे देखो जंप लगाया इसने यहां पे। और कौन सी लाइट एब्जर्व की, लोअर डी से हाई डी में जाने के लिए बेटा जंप लगा रहा है ऊपर, देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर यहां पे जाएगा और विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए इसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसको, डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन का मतलब है डी से डी में जंप लगाना। जो कलर आ रहा है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप लगाता है और लाइट को ऑब्जर्व करता है और बाकी को ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से कलर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद कहता है प्रोमोशन ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स टू द हायर एनर्जी लेवल। प्रोमोशन होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर डी से हायर डी में जंप लगाता है। कहता है ट्रांजिशन मैटर्स इन द एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक व्हिच हैव मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर उनके पास ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हेन द विजिबल लाइट फॉल्स, जब उनके ऊपर विजिबल लाइट पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर डी वाले होते हैं वो प्रोमोट हो जाते हैं और हायर डी में चले जाते हैं, और प्रोमोशन के लिए उनको एनर्जी चाहिए और वो प्रोमोशन के लिए विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। विजिबल लाइट को क्या करते हैं वो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी विजिबल लाइट की, कलर लाइट ऑब्जर्व हो जाती है। द वेवलेंथ ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जर्व लाइट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी डिफरेंस। कहता है वो जो एनर्जी का डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी लाइट ऑब्जर्व होगी, वो डिपेंड करता है एनर्जी का डिफरेंस। बेटा जितना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसी हिसाब से लाइट एब्जॉर्ब होगी, कम डिफरेंस है तो इसी हिसाब से एब्जॉर्ब होगी। मतलब जितना दो ऑर्बिट्स के दरमियान डिफरेंस है उसी हिसाब से लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है दो ऑर्बिट्स के दरमियान। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन अपीयर टू बी कलर, कलर देगा। जिस तरह कॉपर के बारे में है कि कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं वो किसको एब्जॉर्ब करते हैं, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू ग्रीन को क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट कर देते हैं, इसलिए आपके उनको कंपाउंड आपको ब्लू नजर आएंगे। उसके बाद कोबाल्ट के बारे में, ठीक है, कोबाल्ट जो है कहते हैं हाइड्रेटेड कोबाल्ट एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है और उनके जो कंपाउंड्स नजर आते हैं वो रेड इन द सनलाइट। ठीक है, मतलब वो ब्लू ग्रीन को ऑब्जर्व करेगा और रेड लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, तो वही कलर आपको दिखाई देगा। अब इसके अंदर कुछ बेटा कलर दिखाई दे, मतलब है इसके अंदर कि कौन से कलर जो है ऑब्जर्व होंगे, कौन सा कलर आएगा। देखो ये लिखे हुए, ये ऑब्जर्वेशन वाले कलर है जो लाइट ऑब्जर्व करता है सॉल्यूशन, और ये क्या करता है ट्रांसमिट करेगा, उनके कलर है बेटा ये ऑब्जर्वेशन और ये क्या है
ट्रांसमिशन के कलर हैं, और ये क्या है एब्जॉर्प्शन के कलर हैं, और वो क्या है ट्रांसमिशन के कलर्स हैं। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। अब आपकी बायो की क्लास है।